अभी सामाजिक नीति नियम के हिसाब से हमर घर के बेटी दूसरा घर चल दही हाँ। घर के तो वो अभी ऐ नियम निकली से कि वो जीवन भर दाई दादा से मर गए बाहर है उसको मिला हाँ। उसके बाद आप टेकाम लोग के साथ दुग्गा लोग सगा संबंधी बन जाओगे अच्छा। पेनपुर गांव में भी शादी ब्याह होते हैं और दादा लोग से हम लोग जानेंगे कि उन लोग बेटी मांगे हैं तो कौन सी बेटी है जो देव बेटी है उसको मांगे हैं और उनका में अभी शादी जैसे हम लोग का होता है जैसे इंसान लोग का होता है वैसे ही शादी पेनपुर गाँव का भी होता है तो चलिए जानते हैं। तो ये जो बेटी मन है किसकी बेटी मन है दादा? बूढ़ा डोकरा के। बूढ़ा डोकरा के। और ये बेटी मन किस कौन से परिवार में गए हैं? दुग्गा परिवार। दुग्गा परिवार में। दुग्गा परिवार में तो ओकरे आज अभी जो सत्ता छठी छठी भी होते और वो जानकारी भी होते कौन देवी जय से वो देवी के ये देवी के नाम धरी छठी कार्यक्रम कार्यक्रम के बाद वो सत्ता गोटला अभी मड़ा है तो सत्ता मड़ाई ने सत्ता खाई सातों भाई लबलात हैं ते काम नए काम मरकाम हिड़को मरचापी कवाची सात भाई सबको सात भाई के टुकड़ा है अच्छा। सात भाई के बेटी जब जाई से दुगा घर हाँ। तो ऊपर हिसाब से सत्ता गोट चला थे अच्छा। तो अभी सातों भाई बैठी नहीं अभी समझौता होगी समझौता हो गए देव वाला पूछे का नाम रही के नाम ला गला बताई और ओकर घर वाला मन के गला नाम ला बताई हाँ। मिल थे तब फिर ओकर सत्ता ने हर चीज तब शादी होते उस प्रकार के अब देवी मन के गला बेटी हा चल दे से बैठू जाई से हाँ। देवता मन में अक्सर बैठू नहीं मांगे बैठू जाते हैं महला जाए नहीं पड़े महला मन टोटल मत थे जहाँ भी जाता लड़का जैसे लड़का लड़की पसंद तो ऐसे देवी देवता में चले जाते हैं देवी देवता में घर लड़की लड़का पसंद आदमी में भी वही होता है पसंद होते तभी बैठू जाते हैं हाँ। तो उस प्रकार के कहीं यात्रा में कहीं जाते हैं संघर्ष है तो कहाँ के बेकोरास की नाच ये याद ऐसे पूछ जात होते ओकर बात काय लाया आप वैसे करके फिर सीधा जैसे लड़की लोग भी अभी कहीं बाहर जाते हैं मन पसंद होता है तो उन लोग चले जाते हैं वैसे पेन में भी वैसे होते में भी वैसे होते लेकिन पेन मन नहीं डोला है देख हमर सात भाई के बूढ़ा टोकरा हाँ। के अब टेकाम नेताम हिड़को परचापी सपोज मरकाम सातों भाई के देवे एक और बेटी कौन लमोला बन थे नत्ता में दुग्गा मन बनी तब नत्ता में जाके फिट करी से अगर नहीं बनती तो नहीं देती नहीं जाती और आदमी मन ना नाताला जाने ना गोताला जाने कोई कहाँ घला फिट जैसे देवता मन नाताला देख के जाते हैं देवता मन बिल्कुल नाताला देख के ही बैठ जाते हैं और आदमी मन भी के जो लड़की मन जति पढ़े लिखे हुए ना उमला समझदारी नहीं है यह कहा जात के आए यह कैसे आए बस मन पसंद है तो जाना जाना छे कलार का घला जाना है हल पकड़ कर जाना है गाना का घला जाना है का करे का घला लेकिन हमारे गोंड मन के अलग व्यवस्था बनाए गोंड मन के अलग व्यवस्था गोंड मन के व्यवस्था के हिसाब से रहना चाहिए नूनी मलाव करे पर पढ़ाते हैं अच्छा जे जे पढ़े लिखे अच्छा रहते हैं आई या सो वगैरह करते हैं तो ही मन अपन जात ला जाने ना बात ला जाने ऐसे ढंग के आए नूनी हाँ। तो आप मन कहना चाहता था कि जो हमार पढ़े लिखे अभी लड़की मन होते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं वो मन पार्टर होते हैं अच्छा वो मन समझाते हैं छोटे छोटे आने वाला संतान ला देखो नूनी मन ऐसे पढ़ लिख के तैयार हैं और पढ़ाते हैं दाई बाप मन खर्चा करते हैं छोटे से और ओकर बाद दाई बाप के बिना महला मंद करे और कहीं भी मन पसंद के चलते थे पालन पोषण तो ओकर दाई बाप कर रहे थे कोई भी कास्ट में चल दे हाँ। दाई बाप बाद में वैसे तो हाँ। हमारे मन के समाज के नीति नियम के हिसाब से मानो नीति यहाँ कहाँ समाज रही तो आप हाँ। आप जो हमारे एज के लड़की मन है आपका संदेश देना चाहता हूँ मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गतिक भी हमारे समाज के लड़की मला ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा पढ़े लिखे मान और कोई नहीं जाने जानकार नहीं है अनपढ़ तेमला समझाए प्रयास करो और सही नत्ता में आना जाना करो कौड़ो दुग्गा नरेटी कोरेटी मरई तर्रो ए मन हमर संधान होते हैं समधि में जाना चाहिए जैसे दादा दूसर के नाता में जाते तो अपन बता सकते हो कुछ होते का नहीं अभी सामाजिक नीति नियम के हिसाब से हमारे घर के बेटी दूसरा घर चल दही घर के तो वो अभी ऐ नियम निकली से कि वो जीवन भर दाई दादा से मर गए बाहर है उसको मिलाना ही नहीं है अच्छा, समाज में ऐसी अब कर दी हाँ, कर दी मतलब हमारे कास्ट से दूसरा कास्ट में चल दी तो वो आयला देना नहीं है ओकर जाति उती सब
छीन छान के आरक्षण के फायदा लेला नहीं देना है। तो हमारे देव व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल देव व्यवस्था के हिसाब से, देव पेन मन के व्यवस्था के हिसाब से सब है। दादा आप लोग कहाँ से हो? हम लोग अंतागढ़ से। यहाँ पे एक हुआ यहाँ बात बात, तो वो किस बारे में आप लोग बात कर रहे थे? ये जो बातचीत हुई यहाँ पे वो देव संस्कृति के तहत विवाह के लिए सगा नहीं मना करना। क्या हुआ था दादा? हमारे यहाँ ना यहाँ जो मंडा है ये हमारे अको मामल का तैमूर बूढ़ा का, वहाँ से अपने यहाँ एक जीवरान जी त्रित हुई देव कन्या के रूप में। अच्छा। और वो हमारे बाल कुंवर लाम कन्हार के एक देवता के। अच्छा, उनके लिए उतरे हुए थे? हाँ, देव जीवरान। अच्छा जो, तो क्या हुआ दादा इस बारे में आप लोग? इसका यहाँ पे हमारे जो समाज के हमारे जो हेमंत बूढ़ा वाले जो हमारे समझौता का लोग हैं जी, उन्होंने जब हमने देव का काम किए तो उन्होंने बताए कि यहाँ से जो लड़की गई है अपने लाम कनारी के लिए, उसका नाम है हीरादाई और अपने देव का नाम है बाल कुमार। तो राजी हो गया है दादा? मतलब समझौता हो गया? समझौता हो गया। अच्छा, फिर अभी जो हुआ अब शादी ब्याह करोगे उनका? जी, अब शादी ब्याह हो जाएगी उसके लिए भी रसम वसम होंगे? हाँ, अब यहाँ से इन जैसे आपको मामा लोग यहाँ से सौंप देंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ जाके उसका देवी रस्म काम करेंगे। अच्छा, अभी इनवाइट करेंगे? सौंप दिए हैं? हाँ, अभी सौंप ही दिए हैं। मतलब जो देवी है उसको वापस नहीं लाएंगे? जो गई गई हुई है वो देवी को वापस नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। अच्छा, तो जो उनका शादी ब्याह होगा वो उसके लिए अलग दिन आप लोग निकाल के शादी करोगे? अलग दिन। अच्छा, उसके बाद आप टेकाम लोग के साथ दुग्गा लोग सगा संबंधी बन जाओगे? संबंधी बन जाओगे। अच्छा, आप लोग कौन से गांव से बोले दादा, कौन से जिला से? हम लोगों का जो देव मंडा है खड़का, सात टोंडा सात मंडा, देवी स्थल खड़का नारायणपुर, हम लोग सात भाई के अंतर्गत आते हैं जी। और हमारा जो पेन मंडा है खड़का बुहा जी। तो आप वही बात करने के लिए यहाँ चिंगनार में आए हो कि वो देवी जो है आपके यहाँ गई हुई है जी। जैसे अभी आपने सुना कि जो अभी बता रहे थे एक देवी है जो उनके यहाँ गई हुई है, तो फिर से एक देवी जो बड़ी वाली है वो फिर से उनका अभी फिर से चर्चा हो रहा है, तो दो देवियाँ हैं जो वहाँ पे गई हुई है उनके लिए वहाँ की देवताओं के लिए, तो वो दादा लोग बता रहे हैं। और बड़ी वाली बहन का बात कर रहे हैं जो यहाँ चिंगनार से गए हैं ना दादा, इसी जगह से। अभी जो बड़ी देवी है उसका क्या नाम है दादा? गंगा दाई। और वो किनके लिए गई है, कौन से देवता के लिए गई है दादा? सोन कुमार। अच्छा, छोटे वाले का क्या नाम बोले? हीरा दाई। नहीं, जिनके लिए गई है? बाल कुमार के लिए गई है। और अभी जो बड़े हैं उनके लिए? सोन कुमार। अच्छा, तो दोनों का शादी एक साथ करेंगे? अलग अलग होगा। अच्छा, दूसरे गांव? अच्छा, दोनों भाई हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं जी। तो जो अभी समझौता हुआ दोनों का एक ही बार यहां समझौता निपट गया? जो भी रस्म जो है ना, रस्म शादी अलग अलग शादी करेंगे। अच्छा, कई लोग डेट करेंगे, अलग अलग करेंगे शादी के लिए, अलग डेट निकालोगे उनके लिए। जो चिंगनार के पेनपुर का है ना, उनके जो बेटी है अभी दूसरे के घर में चली गई है, जैसे ऐसे चले जाते हैं तो उसको पैटू गए हुए बोलते हैं, और उसी के बारे में दोनों पक्ष बात कर रहे हैं बुजुर्ग वर्ग लोग। और देख सकते हो जैसे हमारे इंसान में मीटिंग होते हैं वैसे पेन पुरकाओं का भी मीटिंग करते हैं बुजुर्ग के द्वारा। समान माने सातों भाई सत्ता, सात भाई के देवता सातों भाई ले सत्ता मिलत।
अच्छा, इसी नियम से मतलब चलना है, चलना है, यही नियम से चलना है। सब बांटा देते ना सत्ता है आदमी में, जैसे सत्ता पटट है, आज ही गोंदली काको गोंदली कथे तैसे सब हो। बेटी माई के मतलब वो देवी में भी जुड़ गया है, देवी में भी जुड़ी से, और हमारे जो पुरका में भी जुड़ा हुआ है। हाँ, पुरका में भी जुड़ा हुआ, पुरका में भी जुड़ा है। तो सब फोला देना है, सात भाई में जीता होते होती आज ही गोंदली काको गोंदली कथे तैसे पूरा ही ले गए। सब जन जब तक सत्ता नहीं पटा ही तब तक हक नहीं हो। अच्छा, अब सत्ता पटाई माने दुबा के पक्का हक हो गए, पक्का हो गए, मतलब ओ सेठ पक्का रिश्ता सगा हो गए, पक्का सगा, पक्का सगा। ए कुड़ भी ताल रहा, ए संतू कुड़ भी ताल, ए कुड़ भी ताल किसको बोलते हैं दादा? कुड़ भी ताल को पता ही जाएगा, ये आपको मामा ही होगा। हां, आपको ही मामा, वो कौड़ो ही होगा, कौड़ो। अच्छा, ये जो दादा हैं गढ़चिरौली, क्या? हाँ, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आए हैं, गढ़चिरौली जिला। अच्छा, तो आपको यहाँ कैसे लगा दादा? कुल देवता है, देवता करके हम हर साल आते ना, ये इस साल मेरा पहली बार है। हाँ, तो भी मेरा बहुत अच्छा लगा सिंह नारा आने का। जी, अच्छा लगता है अच्छा आने के बाद, इतना भीड़ कुछ अच्छा है, भीड़ भी बहुत है, करने अपना पेनपुर का को देख के। हाँ, छत्तीसगढ़ का हो और महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते, यानी बुढ़ा देव दर्शन के लिए, मात्र दर्शन, मात्र के लिए, एकमात्र यानी यहाँ दर्शन के लिए विशेष करके ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। अभी पेनपुर का को लेके आए हो क्या दादा? हाँ, कौन सा पेन? पेन नहीं लाया, दर्शन के लिए, दर्शन करने, दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा, आपका नाम बता दो दादा। हाँ, साहूजी वासु नेता हूँ। मैं पखांजूर परलकोट बारदा का निवासी हूँ, जो कि मैं यहाँ हर वर्ष अपने बुढ़ादेव यात्रा में आता हूँ, पर यहाँ मेरे को दो चीज़ कमी लग रहा है। वहाँ जो देवी स्थल जहाँ देवी लोग नाचते हैं, वहाँ बड़ा सा सौर प्लेट वाला लाइट होना चाहिए, प्लस यहाँ जो अपने बुढ़ादेव के जो मंदिर स्थल है वहाँ पे मैंने लाइट सौर प्लेट लाइट कम से कम 5-5 सेट, दोनों सेट होना चाहिए, ताकि हमारे जो दर्शकगण अपने भाई और अपने जो भी भाई हैं और अन्य मैंने अपने सगा संबंधी लोग आते हैं, उनको बैठने रहने सोने के लिए व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में रहते हैं और कहीं चाट चिट्टी बिच्छी अगर काटने का एक डर रहता है। इसीलिए मैं विधायक महोदय जी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप इस समस्या को देखते हुए आप अति शीघ्र इस व्यवस्था को समाधान करने की कृपा करें। मैं इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बुढ़ादेव।